नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अट्ठाईस साल पुराने सिस्टर अभया हत्या मामले में केरल की एक अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। तिरुवनंतपुरम की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट फादर थॉमस कोटूर और नन सिस्टर सेफी को इस हत्या के मामले में दोषी पाया है। फैसले की पूरी प्रति जारी होने के बाद तर्क और अदालत के निष्कर्षों का विवरण ज्ञात होगा। सीबीआई की इस विशेष न्यायाधीश के सनल कुमार इस मामले में मंगलवार को सजा पर अपना फैसला सुनाएंगे। अगस्त 2019 में शुरू हुए एक मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 9 गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। सीबीआई मामले के अनुसार सिस्टर अभया को आरोपियों के अंतरंग संबंधों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। फादर जोस पुत्री काइल को पिछले साल सीबीआई कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया था। पुत्री काइल को आरोप मुक्त करते हुए सीबीआई अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ मामले को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री लाने में विफल रहा है। पुत्री काइल को आरोप मुक्त करने के लिए सीबीआई के फैसले को हाईकोर्ट में दायर किया गया था, परंतु हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा तिहाड़ जेल में कैदियों को पीटे जाने के मामले में आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेआर मिड्डा और न्यायमूर्ति एजे भंबानी की खंडपीठ ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपीलकर्ता मोहम्मद सुमेर द्वारा की गई शिकायत की एक सारांश जांच करने के लिए एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नामित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अधिकारी के नामांकन के तिथि इस 4 सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक जांच पूरी की जाए। अपीलार्थी जिसका नाम मोहम्मद सुमेर और आईपीसी की धारा 302 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए वो वर्तमान में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है और उसकी अपील दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। अगस्त के महीने में उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इस आशय का आवेदन वर्तमान में हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले माह व्यवस्था की अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले पति को पुनर्विवाह करने से नहीं रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा, महज इसलिए कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, उसे अपने पूर्ववर्ती जीवन साथी की मौत के बाद पुनर्विवाह के मौलिक अधिकार से वंचित रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। याचिकाकर्ता पति को उसकी पत्नी की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी। याचिकाकर्ता अपनी पत्नी की छोटी बहन साली से शादी करने का इच्छुक था, इसलिए उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पुनर्विवाह की इजाजत मांगी थी। कोर्ट के समक्ष सरकारी वकील ने दलील दी कि किसी कर्मचारी के पुनर्विवाह के लिए उसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए बुधवार 16 दिसंबर को कहा कि पहली पत्नी की सहमति के बिना याचिकाकर्ताओं के विवाह के कथित अवैधता के मामले पर वर्तमान कार्यवाही में विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ एक मुस्लिम कपल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रतिवादी नंबर 4 से 7 की इच्छा के खिलाफ विवाह कर लिया था, जो महिला के रिश्तेदार हैं, और आरोप लगाया था कि उनको इन सभी प्रतिवादियों से अपनी जान को खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा देने की मांग करते हुए दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की पहली पत्नी भी अपने वकील के माध्यम से पेश हुई और उसकी तरफ से दलील दी गई कि मुस्लिम कानून के अनुसार दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी की सहमति आवश्यक है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।